दोस्तों आज के स्टूडेंट्स बात करने वाला हूँ Redmi Note 11 Pro सीरीज के बारे में। यहाँ पर ये जो सीरीज है वो मुझे उतनी भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी। अब क्यों नहीं लगी इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर देने वाला हूँ, और किस तरीके से जो Xiaomi है वो एक ही स्मार्टफोन को बार बार रीब्रांड करके ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये नाम कर रहे हैं कि हाँ हमने भी अपने नए अपग्रेडेड स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों स्मार्टफोन की जो फीचर्स हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर मेरी कहने का मतलब यह है कि जो Redmi Note 11 Pro 4G है, अगर हम बात करें Redmi Note 11S स्मार्टफोन के बारे में, तो Redmi Note 11S स्मार्टफोन में आप कह सकते हैं कि 90% जो चीजें हैं वो Redmi Note 11 Pro 4G स्मार्टफोन की ही है, जो कि ऑलरेडी यहां पर इंडिया में लॉन्च है। अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो प्रोसेसर सेम टू सेम है। डिस्प्ले थोड़ा सा यहां पर 90 हर्ट्ज की इसमें है, वहां पर 120 हर्ट्ज कर दिए, जो कि मेरे हिसाब से उतना भी ज्यादा मायने नहीं रखता। उसके साथ में यहाँ पर भी आपको सेम वही 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, वही हूबहू डिजाइनिंग है, वही की वही आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, वही इस स्मार्टफोन का लुक है। फ्रंट के साइड में वही आपको सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिलती है, उतनी ही mAh की बैटरी दी गई है। सिर्फ इतना मेजर चेंज इन लोगों ने किया हुआ है कि इस स्मार्टफोन में Redmi Note 11S में आपको 33 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया गया है, जबकि Redmi Note 11 Pro 4G स्मार्टफोन में 67 वैट का जो चार्जर है वो प्रोवाइड किया गया है। बस एक बड़ा चेंज यही मुझे लगा इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में, बाकी दोनों का दोनों जो स्मार्टफोन है वो सेम टू सेम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि Redmi Note 11S जो स्मार्टफोन अगर इंडिया में अवेलेबल है सेम उसी फीचर के साथ में, तो Redmi Note 11 Pro 4G को सेम उसी स्पेक्स के साथ में थोड़े बहुत अंतर करके लॉन्च करने का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नीड थी। और अगर यहाँ पर प्रोसेसर थोड़ा सा चेंज करते इस स्मार्टफोन में, बाकी सब कुछ ठीक रहता, तो ये स्मार्टफोन और भी ज़्यादा अच्छा निकल करके आ सकता था। तो इससे यहाँ पर यही लग रहा है कि Xiaomi ने बस यहाँ पर नाम किया है कि हाँ हमने भी अपनी Redmi Note 11 Pro 4G, हमने भी अपनी Redmi Note 11 Pro सीरीज को लॉन्च कर दिया है, बस इन लोगों को नाम से मतलब है। उसके साथ में यहाँ पर अगर बात करूँ Redmi Note 11 Pro Plus स्मार्टफोन के बारे में, तो Redmi Note 11 Pro Plus स्मार्टफोन आ रहा है, इसके फीचर्स आपको सब कुछ पता है। मान लेता हूँ कि ये स्मार्टफोन थोड़ा पहले ही लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इसका रीब्रांडेड वर्जन पोको X4 Pro स्मार्टफोन भी इंडिया में लॉन्च होने के लिए 100% कन्फर्म हो गया है, और ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में ये स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो भी चुका है। तो अब अगर Redmi Note 11 Pro Plus को लॉन्च कर रहे हैं तो फिर Poco X4 में कोई अच्छा प्रोसेसर दें, या फिर अगर Poco X4 को लॉन्च कर रहे हैं तो Redmi Note 11 Pro Plus स्मार्टफोन में कुछ अलग फीचर हमें देखने को मिले। मतलब एक ही स्मार्टफोन को बार बार लॉन्च करने का मतलब नहीं है, और अगर देखें तो ये अननेसेसरी टाइप के फ़ोन हो जाते हैं। अगर एक बार स्मार्टफोन जो लॉन्च हो गया सिमिलर फीचर के साथ में, फिर उसी को तोड़ मडोड़ करके दोबारा लॉन्च करेंगे, तो जो दोबारा वाला लॉन्च होगा स्मार्टफोन वो या तो पहला वाला अननेसेसरी हो जाएगा, यहाँ पर प्राइस के ऊपर पूरी चीज़ें डिपेंड करेंगी, जिसकी प्राइस कम होगी वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, और जिसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी वो एक अननेसेसरी टाइप का फ़ोन हमें देखने को मिलने लगेगा। बार बार अगर सेम फीचर के साथ में लॉन्च कर रहे हैं तो यही होगा ही। तो मेरे ख्याल से उतनी भी ज़्यादा इस बार Redmi Note 11 सीरीज की के जो स्मार्टफोन है वो इंटरेस्टिंग निकल करके नहीं आए, जिस तरीके से Redmi Note 10 Pro सीरीज के निकल करके आए थे। अब आपका क्या ओपिनियन है सभी चीज़ों के बारे में, ये चीज़ें मुझे लगी जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलेगा। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।